हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली दो मच अवेटेड मूवीज के टीजर के बारे में, जो कि रिलीज होने के बाद ये डिसाइड करेगी कि लोगों में अभी भी इंटरेस्ट है थिएटर्स में मूवी जाके देखने का उन बड़े बड़े स्टार्स का जिसके हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैंस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई सागा की, जो कि जिस दिन अनाउंस हुई थी उसके बाद एक अलग तरीके का हाइप क्रिएट हो गया था, क्योंकि इसकी जो स्टार कास्ट है वो है जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, अमोल गुप्ते, महेश मांजरेकर, मतलब इतनी ज़्यादा स्टार कास्ट है कि वो स्टार कास्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ मूवी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर है संजय गुप्ता, जिनकी मूवीज़ अपने आप में एक अलग लेवल की होती है, और जब भी ये कोई मूवीज़ बनाते तो यहाँ पर जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है वो 50-50 होता है। इनकी मूवीज़ या तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, और इस बार ऐसा लगता है शायद ये मूवी हिट हो सकती है, लेकिन इसने भी मुंबई सागा के टीज़र को एडिट किया बहुत ही गंदी तरीके से किया है। मतलब जब टीज़र की शुरुआत होती तो हमको ऐसा लगता है कि यार शूट आउट एट वडाला का हम लोग पार्ट टू देख रहे हैं, जहाँ पर मनिया सुर्वे के हम लोग वो सारे पहलू देख रहे हैं जो हमने इससे पहले उस पर्टिकुलर मूवी में नहीं देखा है। और फिर जब एंट्री होती है इमरान हाशमी की, तब हमको लगता है कि नहीं यार ये कोई दूसरी मूवी है, ये दूसरी मूवी, ये शूट आउट एट वडाला नहीं है। तो ये कोई बात ही नहीं हुई दोस्त, एडिट ऐसा करो कि यार उस टीज़र को देखकर लोगों के अंदर क्रेज क्रिएट हो जाए। लेकिन जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी के टीज़र को देखते हो तो यार ऐसा लगता है कि हमने एक बॉम्ब लगाया है और हमने कान पर खड़ा है, और वो बॉम्ब फटा नहीं बल्कि वो फुस निकल गया, और बिल्कुल इसका टीज़र भी उसी लेवल का था। लेकिन किसी भी बुक को कवर देख के जज नहीं करना चाहिए, टीज़र इसका भले इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये मूवी में वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमने संजय गुप्ता की दूसरी मूवीज़ में नहीं देखा है। हालांकि इनकी मूवीज़ का जो कलर टोन है वो एकदम सिमिलर है, 2002 कांटे मूवी में जो उन्होंने कलर टोन का यूज़ किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट लगभग सारी मूवीज़ में वही एक अलग तरीके का कलर टोन यूज़ किया, जो हमें इस पर्टिकुलर मूवी में भी फील होता है। लेकिन ऐसा फिर भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि नहीं यार इस मूवी में कुछ तो अलग होगा। हालांकि ये मूवी काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि यार शूट आउट है वडाला का एक नया वर्जन है, लेकिन आई होप मूवी की कहानी यूनिक हो। उसके अलावा इस मूवी की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो डायलॉग्स है वो काफ़ी दमदार होने वाले, और इमरान हाशमी जब कोई डायलॉग्स बोलते हैं तो वो डायलॉग्स बहुत ही गजब का लगता है, और मैं खुद भी इमरान हाशमी का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे हिसाब से वो एक अंडररेटेड एक्टर है जिनका अभी एक अच्छा फेस चल रहा है। इमरान हाशमी नहीं बल्कि जॉन इब्राहिम भी अब बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी साइन कर रहे हैं, तो अब देखना है कि मुंबई सागा इस हाइप पर खड़ी उतरती है या नहीं। और उसके अलावा सुनील शेट्टी, जो कि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूवी के सरप्राइज एलिमेंट होने वाले, हाल फिलहाल में सुनील शेट्टी की कुछ मूवीज़ आई है लेकिन उस पर्टिकुलर मूवीज़ में उनका इतना कुछ दमदार रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद उनका एक ऐसा रोल होगा जो ऑडियंस को पसंद आए, और जिस रोल में हम लोग अन्ना को देखने जाते हैं बिल्कुल वही रोल में यहाँ पर हमें नज़र आए। लेकिन फिलहाल तो टीज़र देखकर ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा, लेकिन जब ये मूवीज़ रिलीज़ हुई कि 19 मार्च को, तभी पता चलेगा कि यार ये वाकई में रस्सी बॉम्ब है या एक फुसकी बॉम्ब है। फिर अब हम लोग बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसका टीज़र आज रिलीज़ हुआ, और टीज़र की बस दो ही खास बात है। पहली तो ये संजय लीला भंसाली सर की मूवी है, और दूसरी इसमें आलिया भट्ट है, और ये एक बायोपिक है। और सच बता रहा हूँ, संजय लीला भंसाली सर की जो मूवीज़ होती है वो एक बड़े कैनवस वाली होती है, यानी कि वो एक छोटी सी चीज़ को भी इतने ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज़ में कि वो मूवीज़ देखने का मज़ा ही अलग होता है। और इनकी मूवी की जो सबसे अच्छी बात होती है वो है आर्ट डायरेक्शन। इस बार भी टीज़र को गौर से देखा होगा तो जो सेट्स है वो बहुत ही गजब के है, और जो कमाटीपुरे का जो सेट बताया वो रियल कमाटीपुरा नहीं है, ये पूरा का पूरा सेट है। जिस तरीके से सेट को बनाया है बहुत ही गजब का लगता है, और जो विंटेज कार्स हमें देखने को मिली, प्लस आलिया भट्ट नेवर सीन बिफोर रोल में हमें इस पर्टिकुलर मूवी में नज़र आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट एक परफेक्ट चॉइस है, वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम फीमेल एक्ट्रेस देखने को मिलती है जो वाकई में एक्टिंग जानती है, और आलिया भट्ट उन्हीं में से एक है। हाँ मानता हूँ कि आलिया भट्ट अपने करियर में कुछ ऐसी मूवीज़ कर चुकी है जो अच्छी नहीं है, या उसमें उसका ओवर एक्टिंग ज़्यादा है, लेकिन उस एक्ट्रेस में पोटेंशियल है कि वो इस तरीके के रोल को आराम से पुल कर सकती है। और वी का जो BGM है बहुत ही गजब का लग रहा है भाई, टीज़र में मतलब जो जो चीज़ें होना चाहिए एक परफेक्ट मूवी में वो तो लग ही रहा है, और प्लस सोने पे सुहागा के ये संजय लीला भंसाली सर की मूवी है तो यार ये तो डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात ये है कि भाई ये मूवी उसी दिन रिलीज़ हो रही जिस दिन राधे श्याम, प्रभास, और आज की तारीख में पूरे इंडिया में एक ही ऐसा एक्टर है जिसके पास बहुत ही बड़े बड़े बजट की मूवीज़ है,
और करोड़ों रुपए प्रभास के पीछे लगे, और राधे श्याम उन्हीं मूवीज में से एक है जिसके लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। और भिंडी साला प्रभास की मूवी के हल्के से ग्लिम्स को भी मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं और रिव्यूअर्स गजब की तारीफ़ को पुल बांध देते हैं। और ऐसे में गंगूबाई काठियावाड़ी राधे श्याम के सामने जब टकराएगी तो सोचो बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान मचने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो आप लोग मानते हो कि अब बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान हो या रॉकिंग स्टार यश हो, मूवी उसी की चलती है जिसकी मूवी में कंटेंट होता है। और ये बात अब सबको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है। और संजय लीला भंसाली सर को मुझे लगता है कि उनको उनके मूवी में पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो लोग प्रभास की मूवी राधे श्याम के साथ डायरेक्ट क्लैश कर रहे हैं, जो कि कोई खाने का काम नहीं है आज की तारीख। क्योंकि प्रभास को अब सिर्फ साउथ इंडस्ट्री नहीं, पूरी इंडियन सिनेमा यानी कि चाहे बॉलीवुड की जितनी भी ऑडियंस है वो भी प्रभास को देखती है। तो इसीलिए एक रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली को अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है और उनको पता है कि जो मूवी अच्छी है ऑडियंस उसको ही देखेगी, चाहे बॉक्स ऑफिस पर सामने कोई भी हो। और अब जो मुकाबला है वो बहुत ही टक्कर का होने वाला है, और अब देखना ये है कि थिएटर्स में ऑडियंस जाती है या नहीं। और शुरुआत तो मुंबई सागा से हो जाएगी, जिसमें स्टार कास्ट भी है, एक डायरेक्टर भी है। अब कमी है तो सिर्फ ऑडियंस की, और कोविड का टाइम चल रहा है तो देखते हैं कि ऑडियंस वो मूवी देखने जाती है या नहीं, और अगर जाती है तो मूवी की तारीफ करती है या मूवी की इंसल्ट करती है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि यार आप लोग भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो, बिंदास टेंशन नहीं लेने का। नेगेटिव कमेंट्स तो आते रहते, लेकिन जो आपका दिल बोलता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी गाली देना दे दो यार, मैं सोचता कभी कभी रिप्लाई देने का गाली का, लेकिन मैं सोचता कि नहीं यार कुछ तो फ़र्क रहना चाहिए भाई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।